पाकिस्तानी मॉमी नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।
एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है उसको कूट लेंगे। उसके बाद करते हैं हम अपना चूल्हा ऑन। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे अपने प्याज। और इनको अच्छा सा कलर आने तक भून लेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा अगर नमक डाल देंगे तो आपका जो है प्याज वो इक्वल तरीके से भुना जाएगा। ये छोटे छोटे से जो नई लड़कियां जो कुकिंग स्टार्ट करती हैं उनके लिए छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि बहुत फायदेमंद है। तब हम इन प्याजों को थोड़ा सा लाल होने देंगे। और मीनवाइल ये मैं आलू छील रही हूँ, तो हम अब जो है ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसके साथ हम लोग जो है ऐड कर देंगे अपना गोश्त और साथ में हम कर देंगे ऐड जिंजर और गार्लिक और मसालों में हम ले रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा हम डालेंगे सूखा धनिया। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और यहाँ जो मैंने निकाली हुई है दही, और आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ कि दही जो है सालन में डालने से पहले आप उसको बाहर रख दें तो फिर आपका जो है मसाले में गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी। ये भी एक टिप है। ठीक है जी, मैं इधर आधा कप जो है वो दही डालूंगी। आप दही डाल सकते हैं या टमाटर डाल सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपने दोनों चीज़ें डालनी है, आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं या टमाटर या दही। मिक्स कर लें इसको। और मैं इसमें अभी डालूंगी दो ग्लास पानी कि मेरा गोश्त जो है वो गल जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे हम गोश्त को। जैसे कि आपको नजर आ रहा है तो हमारा पानी हो रहा है गोश्त। अच्छे से भून लेंगे और तकरीबन अभी गोश्त आधा गल चुका है तो हम इसमें डालेंगे अब आलू। और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। स्टेज पे आप डालेंगे इसमें पानी जितना शोर आपको बनाना है, और ये याद रखिएगा कि इसी वक्त आप ये डालेंगे जितना आपको चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप पानी और ऐड करेंगे तो उसका जायका इतना मज़ेदार नहीं होगा। और मैं थोड़ा घना शोरा रखूँगी क्योंकि मुझे घना शोरा पसंद है, तो यहाँ मैं ऐड करूँगी 2 ग्लास पानी। और इसी पानी में अब मेरे जो है आलू भी गल जाएंगे और हमारा मज़ेदार सा शोरा भी हो जाएगा तैयार। और एंड में जो है मैं डालूंगी थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ी देर फिर उसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए ढक्कन देकर रख दूंगी और गार्निश करूंगी फ्रेश धनिए के साथ। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त आपका तैयार है। इंजॉय करें रोटी या नान के साथ। साथ साथ बन रही मेरी हांडी और अब मैं यहाँ पे रखने लगी हूँ हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि वो बस आने वाले हैं थोड़ी देर तक। चाय में मैं डालूंगी पानी और ये 3 पत्तियाँ। साथ ऐड करूंगी मैं ये एक बादियान का फूल। बन लेंगे रोटी, तो उनके लिए बनाएंगे हम रोटी क्योंकि हम लोग ब्रंच करेंगे। ये मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ है, मैं भी हस्बैंड के साथ ब्रंच करूंगी इंशाल्लाह। हस्बैंड ने कहा था कि बोलेंगे सादी रोटी, तो
तो उनके लिए मैं बनाऊंगी सादी रोटी। और मैं खाऊंगी ब्रेड।